उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पूर्व सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के डिग्री कॉलेज में रात के वक्त अपने साथ नाबालिग भतीजी को ले जाने वाली आरोपी बुआ को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। बुआ ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि घटना के बाद जब उसने खुद को भी इस मामले में फंसते देखा तो गिरफ्तारी के डर से फरार हो गई थी। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में लड़की की बुआ को भी आरोपी बनाया था। गिरफ्तारी के बाद बुआ को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कन्नौज एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि 14 अगस्त को पीड़िता के साथ उसकी बुआ भी कोतवाली में मुकदमा लिखाने गई थी। जब पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया तो वह बाधा डालने लगी, कार्रवाई में पुलिस का सहयोग नहीं किया। अभियुक्त नवाब सिंह यादव को आपत्तिजनक अवस्था में पाया गया, जहां उसे पकड़ा गया। थाना कन्नौज पुलिस पे तत्काल तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर 12 अगस्त 2024 को जेल भेजा गया। तत्समय मौके पे लड़की की बुआ भी मिली थी। शुरुआत में वो विवेचना में सहयोग करी थी, मुकदमा भी लिखाने आए थे। जब लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था तो वहाँ पर ये विघ्न डालने लगे और सहयोग करने लगे। अगले दिन जब लड़की के माता पिता आए तो उन्होंने ये भी बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी, लड़की की बुआ ने इनको कोई सूचना नहीं दी। उन्होंने भी इन पर आरोप लगाए। जब इनको पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया तो ये फरार हो गई। तब से ये लगातार वांछित चल रही थी। इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी विभिन्न टीमें लगी हुई थी। दिल्ली NCR एरिया में इनकी सर्च की जा रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि ये वापस से कन्नौज के लिए आई है। सूचना पे आज थाना कन्नौज पुलिस द्वारा तिरवा क्षेत्र अंतर्गत इसकी गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया है कि ये नवाब सिंह यादव को पिछले 5-6 सालों से जानती थी, इनके फिजिकल रिलेशंस भी रहे। 11 अगस्त को नवाब सिंह यादव ने इनको फ़ोन करके बुलाया था। तब इसने बताया था कि ये लखनऊ में है और इनके साथ इनकी भतीजी। तब भी इनको बुलाया गया। ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के कॉलेज पहुंचे थे, जहां पे ये दुष्कर्म की घटना हुई। घटना के बाद लड़की ने पीछे से पुलिस को फ़ोन कर दिया था और UP 112 पे, जिसमें UP 112 और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जिसमें फिर मुकदमा लिखा गया और अभियुक्त नवाब सिंह यादव को जेल भेजा गया। अभियुक्ता ने यह भी बताया कि जब ये मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गए थे तो वहाँ पे जो अभियुक्त का भाई है, इनको प्रलोभन दिया था कि अगर ये बयानों से पलट जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन ना हो, तो इनको पैसे दिए जाएंगे। और साथ ही कुछ लोगों के नाम लेने के लिए बताया था, ताकि विवेचना को डाइवर्ट किया जा सके। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। और आज अभियुक्ता, जो लड़की की बुआ है, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बुआ के नवाब सिंह यादव से कई सालों से अवैध संबंध थे। पूछताछ में बुआ ने पुलिस को बताया कि नवाब सिंह यादव को वह पिछले 5-6 सालों से जानती है और उसके नवाब सिंह से शारीरिक संबंध भी थे। 11 अगस्त को नवाब ने उसे कॉल करके कॉलेज में बुलाया था। वह लखनऊ में भतीजी के साथ थी, जहां से नवाब के कहने पर भतीजी को साथ लेकर कॉलेज पहुंची थी। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि 11 अगस्त की रात को एक किशोरी ने डायल 112 पर कॉल करके चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में उसके साथ दुष्कर्म होने की सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो औरंगापुर के रहने वाले नवाब सिंह यादव एक कमरे में बेड पर अंडरवियर में लेटा मिला था। पास ही कुर्सी पर पीड़िता की बुआ बैठी थी। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि बुआ उसे नौकरी दिलाने के नाम पर यहां लाई थी। बातचीत के दौरान बुआ टॉयलेट जाने के बहाने भतीजी को नवाब सिंह के पास कमरे में छोड़कर चली गई। तभी नवाब सिंह ने किशोरी का जबरन टॉप उतार दिया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवाब को गिरफ्तार कर 12 अगस्त को जेल भेज दिया था। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। नाबालिग लड़की के कोर्ट में दिए बयान और तकनीकी सबूत सामने आने के बाद मामले में बुआ की भी संलिप्तता पाई गई। इसी आधार पर
उसे भी आरोपी बनाया गया। 13 अगस्त को जब किशोरी के माता पिता कन्नौज आए तो उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी बुआ ने उन्हें कोई सूचना नहीं दी थी। उन्होंने बुआ पर कई संगीन आरोप लगाए। जब पूछताछ के लिए उसे कोतवाली बुलाया गया तो वह फरार हो गई, जिसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। मोहम्मद नाजिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कन्नौज।